हेलो गाइस, होप यू डूइंग वेल। सो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। सो गाइस, हाजिर हो चुके हैं न्यू वीडियो के साथ। सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज जो है ना, सबसे पहले हम जो है ना रॉकी के बच्चे देखते हैं कि कितने बड़े हो चुके हैं। बहुत दिनों से जो है ना मैंने भी नहीं देखे, बहुत दिनों तो नहीं, एक दो दिन से मैंने नहीं देखे। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इनकी जल्दी जल्दी ग्रोथ हो रही है, इतनी तेज़ तेज़ हो रही है ना, बाल भी आना शुरू हो गए हैं बच्चों के। यार तकरीबन इनको दो हफ्ते और लगेगा और ये हमारे चिंकू जितने हो जाएंगे। और इनमें चिंकू मिंकू का मुझे अभी डिफरेंस नहीं पता, चिंकू कौन है मिंकू कौन है। सो हमारा बबलू जो है ना वो नीचे ही है, और आज जो धूप थी ना वो बहुत तेज़ हुई हुई है, तो इसलिए आज मैंने कपड़ा डालना पड़ा और नीचे बबलू जो है अपनी मटकी में जाकर बैठ गया। उसके अलावा रेंजर की फीमेल को देखते हैं कि क्या कोई बच्चे निकले हैं कि नहीं। सो मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ, यहाँ से मैं इसको बंद कर लूँ ना, सामने बैठी है ना वो, सामने रखे अंडे तो हैं पर बच्चे भी इंशाल्लाह ये कुछ ही दिनों में निकाल लेगी। अभी इनको मैंने एक हफ्ता डिस्टर्ब नहीं करना, बॉक्स इसमें एक एक दफ़ा सीधा कर देते हैं। इनका बॉक्स एक तो बार बार टेढ़ा हो जाता है, इसका पता नहीं क्या मसला। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं क्या इनके बॉक्स को, मैं तो कहता हूँ किसी तार से बांध दे ताकि टेढ़ा ही ना हो। और आज सुल्तान की मेल और फीमेल दोनों ही बाहर आ गए हैं, देखते हैं। देखिए इसके परों पे जो बटरफ्लाइज बनी हुई हैं आपको शायद ही नज़र आ रही हो। हाँ अभी नज़र आ रही हैं थोड़ी थोड़ी। नहीं मस्तियाँ कौन कर रहा है, मस्तियाँ कौन कर रहा है यहाँ पे, स्टिक किसी ने तारी है, मस्तियाँ ना करो। किंग जो है बहुत शरारती हैं, अपनी स्टिकें उठा के फेंक देते हैं। आप भी लगे हुए खेलने पे ही लगते हैं, इनको चाहिए कि अंडे वगैरह दें और ये खेल रहे हैं यहाँ पे। रेड आइज के देखते हैं, फीमेल एक दो दफा गई तो है। नहीं जी बॉक्स खाली है। रेड आइज बच्चा दो, बच्चे दो, एक ही बच्चा दिया इन्होंने पिछली दफा, भी ज़्यादा देते तो कुछ अच्छा भी होता। अंडे ये फेंक दिए इन्होंने बाकी सारे, पर एक जो बच्चा है वो भी बड़ा प्यारा आया। हमारा चिंकू जो है मस्तियाँ करने पर लगा हुआ, और अभी मिंकू को भी निकाल के जो है ना नीचे रखते हैं, क्योंकि अभी जो इनके बाप है ना, जो फादर है इनके, वो अभी फीड खा रहे हैं, इनको खाने देते हैं ताकि इनको जल्दी से फीड करवाएं, ये इनका पेट भर जाए तो इनको जो है ना हम दोबारा से नीचे बबलू के साथ छोड़ दें। और उसके अलावा जो है ना यंग बॉय जो है हमारे, ये इनके बच्चे भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, और बच्चे तो बाहर भी निकल आते हैं कभी कभार। वो जो ब्लू वाला था ना, वो दो दफ़ा बाहर निकल आए थे, मैंने अंदर रखा है। और टाइगर्स भी पता नहीं क्या सूरत हाल है, टाइगर्स भी जा रहे थे, दो दफ़ा मैंने देखा है जाते हुए मच्छी में। तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द अंडे दे देंगे। और हमारे राजा रानी जो है वो सामने देखे, आज धूप जो बहुत ज़्यादा, इसलिए जो परिंदे हैं ना वो जो है ना अपने अपनी, इनको कोई टेंशन नहीं है। ये जो है ना, मैं तो कहता हूँ इनको थोड़ा सा इधर करके धूप से थोड़ा सा आगे, ये जो पिंजरा है ना हमारा मास्टर्स और कैंगरूज और यंग बॉयज़ है, उसको हम यहाँ पे इस साइड से रख देते हैं। आप बताइएगा अगर हुआ तो हम रख देंगे, वरना तो फिर यहीं पे ठीक है। और उसके अलावा जो है ना रकीज, रकी बेटा मेल और फीमेल, मुझे लगता है वो वाली फीमेल है, वो जो ऊपर बैठी हुई है ना और नीचे वाला मेल है, पता नहीं। ये डरते नहीं है, इनके पैरों में देखिए आपको नज़र आएगा, पता नहीं किसके पैरों में डाली थी इन्होंने रैंक। और हम भी एक दो दिनों में जाएंगे, हमारे जितने भी न्यू आए हैं ना बच्चे वगैरह, जैसे चिंकू मिंकू बबलू सब हो गए हैं। अभी बबलू के पैर में तो खैर नहीं जाएगी क्योंकि उसके पैर बहुत बड़े हो गए हैं, और चिंकू मिंकू को भी, पर देखेंगे अगर डली तो ले आएंगे, वो जो रैंक नहीं होती छोटी वो लाएँगे और डालेंगे और प्यारे लगेंगे फिर ये। और इनके लिए भी हम सोच रहे हैं कुछ आस्ता आस्ता कलोनी वगैरह बनाएं, और वो बाद में करेंगे। अभी तो हमारे पास माशाल्लाह से बहुत बड़ा सेटअप है। और इनकी यार डिशेस देखें कितनी गंदी हो गई हैं, खाते बाजरा का हमें गिराते जाना है, ये नीचे देखें। तो मुझे तो लगता है या तो आज सफाई करनी पड़ेगी या तो पापा आएँगे तब, लेकिन पापा तो आजकल बहुत बिजी हैं, वो तो शायद हों घर में, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ यार तो मैं खुद ही कर लूँ। तो गाइस क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने अभी सफाई का बोल तो दिया लेकिन कर लेते हैं, लेकिन नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए हमें अलग वीडियो बनानी पड़ेगी।
वरना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस पर। सो नहीं यार करते हैं, मेरा दिमाग जो है बार बार घूम रहा है। तो गाइस चलिए अभी जो है ना आज हम इन पूरे पिंजरों की जो है सफाई करने वाले हैं और आपको भी साथ साथ दिखाएंगे। मैंने आपको बोला भी हुआ था और अपनी ज़ुबान से मैं कभी नहीं हटता। और मैंने देखे आपके लिए मैंने सेटअप लाया, सारा कुछ किया, रोज़ वीडियो डालता हूँ। आप भी मुझे कुछ मोटिवेशन दिखाएं, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी वीडियो को इन्जॉय करें और आप भी। तो चलिए हम अपनी सफाई शुरू करते हैं। सुबह सभी जो है ना मैं सारी ट्रेस वैक्स आपसे लेकर जाता हूँ और सफाई करना आप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ब्लूम को बता दूँ और यहाँ मेरे पास है तो ये देखेंगे दोनों बच्चे जो है ना मास्टर के जो है बाहर आ चुके हैं। एक वो नीचे बैठा हुआ और एक वो ऊपर स्टेज पर बैठा हुआ। तो बगैर मुझे देरी की जो है ना हम सफाई करना शुरू करते हैं। जो है हम ये नीचे वाले गेट में सफाई कर रहे हैं क्योंकि बहुत गंदा हो गया था। तो पापा ने बोला इसकी सफाई करो और ताकि बदलू जगह गंदी जगह पर रह गया। तो हमने बोला सब सफाई आज करते हैं। तो चलिए आप देखते रहिए साथ में, बहुत थक गया हूँ। ये गंद फिलहाल जो है ना हालत बहुत टाइट हो गई है। ओए हो इतनी तेज गर्मी, अब मुझे पता लगा पापा ने कितनी मेहनत की थी। मैं तो बोलूं जल्दी जल्दी हो गई है। ओए ओए हो इतनी जो है ना सांस चढ़ गई। जल्दी से वो आता है तो हम सफाई शुरू करते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला रहे हैं। सो चलिए वो बोलने भी नहीं हो रहा। सो गाइस अभी आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा अभी शायद मैं आपको नज़र आऊँ ना हूँ। सो जल्दी से मैं वो जो सामने डिशेज रखी हुई है ना सारी डिश वगैरह तो इनको सब ट्रे को मैं ला के यहाँ पर रखता हूँ। तो यहाँ पर हमारी बास्केट वगैरह आ चुकी है। आप छत की देखें थोड़ी बहुत सफाई हुई हुई है ये देखें, लेकिन हमारा छत ही ऐसी जगह पर यहाँ पर बार बार धूल आ जाती है। तो आप यहीं पर इंतज़ार करें तो मैं वहाँ से वो ले आता हूँ। अभी जो है ना एक कार के ना मैं सबकी सफाई करता हूँ। पहले मैं छोटी हूँ सफाई करता हूँ इसको साइड पर। और मैंने जो है ना झाड़ू जो है मंगवा लिया था तो मैं सब यहाँ सफाई शुरू करती हूँ। सो गाइस ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो दूसरे इससे आगे की जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट होगा तो उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा। सो गाइस आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो बड़े बड़े को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। सो गाइस मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।